कल मैं गया तो एक्चुअली मेरे फर्स्ट सरप्राइज ये लेके गई, बोली कि चलो आज मॉम डैड के साथ, कल तो जो भी है हम कर लेंगे पार्टी वार्टी, आज मॉम डैड के साथ चलते हैं करते हैं कुछ, ठीक है। मैं बोला ओके चलो चलते हैं। एंड ये मुझे कहीं 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 ले गई, एंड इट वॉज लाइक कि केक डेकोरेशन एंड एवरीथिंग वाज देयर। मैं कल से अब तक 4-5 केक काट चुका हूँ, बचपन से लेके अब तक जितने केक भी काटे हैं सारे केक काट सारे कटवा रही है। तो रात की सरप्राइज ये थी, फिर अभी ये पार्टी भी सरप्राइज थी, बट ये सरप्राइज खुल गया एक्चुअली मुझे, क्योंकि इतने गेस्ट होते थे कोई ना कोई कॉल करता, अरे सर किधर आना, अच्छा ये है ऐसा है, तो पता चल गया। फिर दोपहर में इन्होंने बोला कि चलो हम लोग डिनर करने चलते हैं ताज में, लंच लंच बोला, हाँ सॉरी लंच करने चलते, सॉरी ताज में लंच करने चलते हैं। मैं बोला ओके चलो, एंड वी आर गेटिंग लेट एक्चुअली, थोड़ा कुछ चीज़ें थी उसकी वजह से हम लेट हो रहे थे। तो शी सेड कि अरे यार जल्दी निकलो नहीं तो 3:30 बजे के बाद जो है लंच नहीं मिलेगा। मैं बोला अबे ये कुछ और प्लान था, ये कौन सा, आई वाज जस्ट सेइंग, देन आई सेड कि नहीं तू ताज तो नहीं जा रही है, लंच क्यों नहीं मिलेगा, मैं कभी भी जाऊंगा वहां लंच मिलेगा। हां ठीक है ताज में लंच है, इसके लिए हम कभी और जा सकते हैं, इसके लिए मतलब इतना, हां मतलब इतना क्यों सरप्राइज, क्या है इसमें लंच के लिए क्या सरप्राइज है। अब मुझे गेटवे जाना था, वहां के लिए मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोलूं। तो ताज पहुंचे, जब एंट्रेंस पे पहुंचा तो मैं बोला चलो अब चलते हैं अंदर, बोली नहीं नहीं वहां नहीं जाना है कहीं चलते हैं और। देन वी वेंट टू दैट बोटिंग क्लब जहाँ से बोटिंग होती है, यॉट के लिए जाते हैं, तो एक छोटी सी बोट आई पिक करने के लिए। मैं बोला ये तेरा सरप्राइज है, पानी में छोटे से बोट धूप में लेके आई है मुझे, ऐसा नहीं, यू स्टिल हैप्पी, आपकी शक्ल में दिख रहा था। देन वी वेंट टू सम यॉट एंड इट वॉज अ प्राइवेट यॉट फॉर बोथ ऑफ अस, शी बुक फॉर मी एंड इट वॉज अ लवली सरप्राइज विच आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एक्चुअली। मुझे सबसे मजा तब आया जब हम लोग बोट, छोटी वाली बोट जो ट्रांसफर बोट होती है यॉट पे जाने के लिए, तो उसमें बैठे ही जस्ट सेड कि अच्छा बेबी यही सरप्राइज था, ये सरप्राइज था, एकदम प्यार से मैंने हाँ बेबी ये सरप्राइज है, सो ही वाज लाइक हाउ के अच्छा है मजे इतना। उसके बाद जब हम यॉट पे गए तो ही वाज वेरी हैप्पी, इट वाज टोटली डेकोरेटेड विद बलून्स एंड बुकेज एंड केक वाइन फ्रूट वाइन स्टार्टर्स लाइक, सो इट वाज जस्ट टू ऑफ अस एंड समुद्र के बीच में इन द मिडिल ऑफ दैट सी, और फिर वहां पे अपना वी स्पेंड अ गुड 2 आवर, देन अगेन वी आर हियर विद यू गाइस। अभी तो मस्ती चलेगी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है अभी तो चलती रहेगी। तो अपने एक अंदाज में एक बार फिर से विश कर दीजिए। अपने अंदाज में कैसे अंदाज में मतलब है? अब मेरा अंदाज तो यही है बेबी आई लव यू हैप्पी बर्थडे, इससे अच्छा और मतलब मुझे अच्छा गाने वाने से अच्छा ये वाला अंदाज, ये सबसे अच्छा अंदाज है आई गेस। सबसे बेस्ट ऑब्वियसली आज दोपहर का यॉट, दैट वाज मतलब वो एक ऐसा सरप्राइज था जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि बॉम्बे में हम क्या सोचेंगे कि अच्छा चल कहीं डिनर के लिए जाएंगे या फ्रेंड्स लाइक सरप्राइज पार्टी दे देंगे कुछ भी कर देंगे, बट यॉट एक ऐसी चीज है कि यू विल नॉट थिंक ऑफ कि अच्छा यहाँ जाएंगे क्या। करेक्ट, और मैं बहुत सोच रही थी कि मतलब क्या सरप्राइज, अभी वैलेंटाइन डे था तो घर को पूरा वैसे ही बलून से डेकोरेट कर दिया, सारे गिफ्ट छुपा दिए थे, तो अभी मुझे कुछ और करना था यू नो, सो डर लगता है कि सरप्राइज कम ना पड़ जाए मतलब आगे, और आगे का भी सोचना है मुझे अगले साल का भी से। गिफ्ट्स तो मैंने बहुत छोटे 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 मोमेंटम दिए, फोटोज दिए हमारे, सी जो फीलिंग्स, सी बड़े गिफ्ट से तो हम लोग कभी भी लेते रहते हैं आप, हाँ मैंने वैसा कोई मतलब कुछ ऐसा नॉट लाइक कि हाँ ये देना है वो देना, बट छोटे 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 जो मोमेंट्स होते हैं, सम स्मॉल बॉक्स विथ लेटर्स एंड समथिंग अलग 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 अलग, वो जो इमोशनल बॉन्डिंग वाले जो गिफ्ट्स हैं ना वो बहुत सारे मिले हैं, और वो ऐसा लगता है कि जैसे इन सब का कलेक्शन बना के एक अलग डिपॉजिट करते जाओ उसको लाइफ लॉन्ग के लिए, क्योंकि मैं वैसे गिफ्ट समझ में नहीं आता सच में मतलब क्या होगा, वॉच वॉलेट दोगे परफ्यूम दोगे वॉलेट दोगे, तो ये सब मुझे मोमेंट्स लगते हैं, सो आई प्रेफर दिस, वेरी कॉमन, हां दिमाग तब लगता है, सी फीलिंग तब आती, एक्चुअली फीलिंग तब आती जब आप एक कुछ यूनिक सा सोचते हो कि जिसकी वैल्यू नहीं है बट इमोशनल वैल्यू बहुत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू क्या विश
बर्थडे बॉय को सबसे पहले मैं एक बहुत अनयूजुअल चीज विश करना चाहूंगा, विच इज हैप्पी बर्थडे. सॉरी दैट वाज अ सैड जोक, बट आई वुड लाइक टू विश हिम ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड. ढेर सारी खुशियाँ, लॉट्स ऑफ सक्सेस, गुड हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, लॉट्स ऑफ वॉर्म्थ एंड लव इन हिज पर्सनल लाइफ, क्योंकि वो खुद एक बहुत ही वॉर्म और इमोशनल आदमी है. तो बस ढेर सारी खुशियाँ उनको विश करना चाहूँगा. जी, उनकी सरप्राइज पार्टी में मेरा उतना ही हाथ है कि मुझे ये सरप्राइज मिला कि ये उनके लिए सरप्राइज पार्टी है. आई डिडंट नो इट वाज अ सरप्राइज पार्टी. मुझे बस कल ज्योत्सना ने इनवाइट किया एंड आई वाजंट शूटिंग टुडे, तो मैंने बोला जाना ही पड़ेगा. सो बट या लाइक आई सेड अर्लियर दैट सरप्राइज पार्टीज आर ऑलवेज ग्रेट, एस्पेशली इफ इट इज फॉर योर हस्बैंड और फॉर योर वाइफ, बिकॉज वो जरा भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं और आप उनको एक लोकेशन पर लेके आते हो एंड देन ही सीज दिस होल बैश प्लान फॉर यू. तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग. वेल, आई हैव थॉट ऑफ समथिंग फॉर हिम विच आई एम प्लानिंग टू पिकअप. आई लाइक आई सेड आई हैवंट हैड द टाइम टू पिकअप एनीथिंग फॉर हिम, बट मैंने कुछ तो एक चीज़ सोच के रखी है उनके लिए, उनके टेम्परमेंट के हिसाब से. तो वो मैं कल या परसों में मैं परचेज करके उनको खुद पर्सनली दूंगा. बढ़िया इंसान है, हम्बल, जेन्युइन. तो मैं यही चाहूँगा कि उनको बहुत सारी सक्सेस मिले, बहुत सारा पैसा कमाए और बहुत सारा प्यार मिले, जो आई एम श्योर जोश में दे रही हूँ. देखिए, अभी तो मैं डायरेक्ट सेट से आ रहा हूँ, सो इफ कुछ करेंगे उनके लिए पार्टी या कुछ प्लान सून. हाँ, क्योंकि 7-8 दिन से मुझे कोई ऑफ नहीं मिला है और मैं थोड़ा थका हुआ हूँ. तो इट्स गोइंग टू बी अ गुड पार्टी, गुड अनवाइंडिंग. और आप कितने भी बिजी स्केड्यूल में हो, कितने भी हेक्टिक उसमें हो, लेकिन जब आपके किसी अपने का बर्थडे होता है या कोई इंपॉर्टेंट दिन होता है तो आपको जाना ही पड़ता है. आई मीन, आई हैव टू गो. हाँ, बहुत बढ़िया सरप्राइज पार्टी है. इसमें मेरा ज़्यादा हाथ तो नहीं है, लेकिन इसमें मेरा थोड़ा दिमाग है. सजेशन जो उसमें से मेरी काफ़ी डिस्कशन होता रहा कि क्या कर रही है वो. वो क्रूज़ में भी लेके गई है नितेश को आज दिन में, तो बहुत अच्छा प्लान किया उसने. एंड आई विश ऐसी बीवी सबको मिले, मुझे भी. थैंक यू. Well, मैं उनके नितेश को, क्योंकि मैं पर्सनली इतना नहीं जानती हूँ, सो ऑनेस्टली स्पीकिंग आई हैव नॉट गॉट अ टोकन इन अ काइंड, बट मेरी उनके साथ गुड विशेज हमेशा रहती हैं. एंड आई विल ऑलवेज विश कि बहुत सारे ऐसे बर्थडेज एंड सेलिब्रेशंस उनकी लाइफ के रहें जहाँ पर उनकी सारी टीम, उनके सारे लोग जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनकी खुशियों में शामिल रहें. एंड येस, दिस इज़ माई गिफ्ट टू देम कि ज़िंदगी में कभी भी अगर अच्छा या बुरा वक्त आएगा तो जानवी हमेशा एक कॉल अवे रहेगी. उनका एक फ़ोन, चाहे कितने बजे भी वो करें, आई विल बी देयर.
कि बर्थडे बॉयज के लिए हमेशा स्पेशल विश ही होती है, चाहे बर्थडे हो या ना हो। तो मैं नितेश को ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी फ्यूचर के लिए। आई होप उसका आने वाला साल वंडरफुल हो एंड दोनों मियाँ बीवी अच्छे से इंजॉय करें, दैट्स ऑल। ये तो सीक्रेट है, मैं कल गिफ्ट बोल दूंगी तो मैं कैसा वो गिफ्ट रह जाएगा। नहीं, क्योंकि अभी तक मैंने दिया नहीं इसलिए मैं बता नहीं सकती हूँ, रुक जाओ। वैसे आई थिंक नितेश को ड्रिंक का शौक है तो मैं उसी से रिलेटेड कुछ दूंगी नितेश को, तो वही कुछ है मेरी तरफ से उसके लिए। सरप्राइज बहुत अच्छा है और ज्योत्सना ने बहुत अच्छा सरप्राइज अरेंज किया है, विच इज़ वेरी गुड। मैं देख रही हूँ आई एम अमेज कि जो ने ये सब किया है, बट इट्स वंडरफुल, बीइंग अ वाइफ इज सुपर्ब। इंट्रैक्शन किससे, मतलब कोएक्टर्स? नहीं, हम लोग सेट पे धमाल मचाते हैं और ये तो आफ्टर द सेट धमाल है, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि सेट पे इंट्रैक्शन नहीं होता। हम लोग की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, सेट की मस्ती है, पार्टी है, तो एंजॉय करेंगे इसको भी।
प्रोफेशनल लाइफ में ही गेट ऑल हैप्पीनेस एंड ऑल द सक्सेस. मैं नितेश को गिफ्ट तो भैया इन्होंने दे दिया है, मैडम जो है नितेश की, इन्होंने बहुत बढ़िया सरप्राइज दिया, ये पार्टी दी है, और मैं मेरी तरफ से नितेश के लिए बेस्ट विशेस. अरे मेरा कुछ हाथ नहीं था, मुझे तो खुद पता चला सुबह, मतलब बिकॉज आई वाज शूटिंग यस्टरडे, सो मैं कॉल नहीं पिक कर पाई थी, और सुबह ही मुझे पता चला इट्स हिज बर्थडे एंड आई वाज आल्सो सरप्राइज्ड. आज बहुत सारे पुराने फ्रेंड्स से मिल रही हूँ, एंड यूजुअली बिकॉज एवरीवन इज़ फ्रॉम डिफरेंट शोज, ये सिमर के हैं, आई एम फ्रॉम अदर शोज, सो बहुत मज़ा आता है जब अपने पुराने फ्रेंड्स एक साथ मिलते हैं अंडर वन रूफ टॉप, सो वी आर गोना हैव अ लॉट ऑफ फन. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच इंटायर मीडिया, जो भी आप लोगों ने इस तरह से हमें कवर अप कर लिया कि बर्थडे बॉय को मिलना ही भूल गए अभी तक मिल ही नहीं पाए हैं. हम ये बुके लेकर मिलते हैं बर्थडे बॉय को, और उनको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं फॉर द अपकमिंग ईयर देते हैं. जस्ट गिव अस 2 मिनट्स, वी आर कमिंग बैक. आई जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, वी आर कमिंग बैक. I'll wish Nitesh a very happy birthday, क्योंकि वो हमारी खुशी को बहुत ही खुश रखता है. खुशी मतलब जो उत्साह हमेशा हंसती रहती है, उसकी मुस्कान देख कर हम भी बहुत खुश होते हैं. वेरी स्वीट कपल, आई विश देम वेरी 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 गुड लक. मैं उसको मैंने दे दी, बताते नहीं क्यों. या गोइंग टू एंजॉय अ लॉट. आज बहुत दिनों बाद मुझे मेरे फ्रेंड्स मिले हैं, हम बहुत समय के बाद मिले थे. रियली गोइंग टू हैव अ ब्लास्ट, प्लस इट्स वुमेन्स डे टुडे, सो ये अभी तो आए हैं, अभी जैसे जैसे पार्टी स्टार्ट होगी फिर डांस भी कर लेंगे. I would like to wish Nitesh all the very best and a very happy birthday. He's a very wonderful person, a wonderful director, and to say a wonderful, wonderful husband. So I would like to wish him a very happy birthday, and may he prosper in life. May he get health, wealth, prosperity and happiness. क्या होता है कि जब हम किसी के लिए गिफ्ट लेने जाते हैं तो पहला सवाल आता है कि क्या देना चाहिए, एंड स्पेशली बॉयज़ को गिफ्ट देना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. बट देन यस, यू कैन गिव देम परफ्यूम्स, इम्पोर्टेड चॉकलेट्स एंड I'm good. How are you? Yours, my lovely, lovely Karuna, hottie. And we are meeting after long. I think after about 6 months, 8 months. But बहुत लंबा वक्त लगता है यार, कहाँ रोज मिलते थे और कहाँ मिलते ही नहीं. तो ये होता है जब हम पार्टी में आते हैं, जिनसे हम मिले नहीं बहुत दिनों से, उनसे मिलना होता है. दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट इट. एंड
I was talking about the birthday gift. Yes, so you can always give imported chocolates, imported perfumes, or something very special to people who are special and close to your heart. Actually, मैं parties ज़्यादा enjoy नहीं करती because I'm not a late night person. और हम शूट से इतना ज़्यादा थक जाते हैं that कुछ मन नहीं करता, ऐसे लगता है घर जाके बस सो जाओ because then other days also shoot. But luckily tomorrow is not a shoot, so आज मैं enjoy करने वाली हूँ and थोड़ा सा late तक रुकने वाली हूँ and I'm going to enjoy to the fullest. See, I personally don't drink, I don't smoke, I'm a very homely type of girl. So I won't be able to give company to those who drink. But yes, I can have mocktail or something and I can have chit chat with people whom I have not met from long. So that is how is my style of enjoyment.